नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। अब हम उनको कवर कर रहे हैं जो यहाँ पर एंकरिंग करते हैं, जो अपनी सुमधुर आवाज से सभी को अनाउंस करते हैं, सभी को सम्मानित कराते हैं। रजनी बेनीवाल जी हैं, पानीपत से एंकर हैं और क्या क्या उन्हें जानते हैं। मैडम स्वागत है कंचन टीवी पर। थैंक यू सो मच सर। रजनी जी, आज आप एंकर के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर आपने अपनी सुमधुर आवाज से सभी को मोहित किया है, सभी को अनाउंस किया है। किस तरह से यहाँ आना हुआ और कैसे आप इस महोत्सव से जुड़े हुए हैं? वेल, सौभाग्य से मैं हरियाणा कला परिषद का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आज मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समझूंगी कि ये मुझे पहली बार आरती में उपस्थित होने का मौका मिला। और एंकरिंग तो एक बहाना था, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आरती में उपस्थित होने का मौका मिला। आपने कला परिषद का नाम लिया, एंकरिंग का नाम लिया, कहाँ से आप जुड़े हैं? कला परिषद से जुड़े हैं, एंकरिंग से कब से जुड़े हैं, वो भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। वेल, मैं हरियाणा कला परिषद से भी पिछले 2 सालों से जुड़ी हूँ, और हम लोग फोक डांस सिखाते हैं ताकि बच्चे, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो हरियाणवी कला से जुड़े रहें और इन्हें हमारी संस्कृति को ना भूलें। और एंकरिंग का कहेंगे तो एंकरिंग मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, जब भी मौका मिलता है तो आई विल ग्रैब दैट। आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं, नव युवतियां हैं जो चाहती हैं कि वो एंकरिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर लें, तो कौन से वो खास बातें हैं, कौन सी खास टिप्स हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? हमारे चैनल कंचन टीवी के माध्यम से उनको बताइए। वेल सर, मैं आपको यहाँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हेयर, मैं बेसिकली प्रोफेशनली एंकर नहीं हूँ, मैं एक मॉडल हूँ। मैं फैशन शोज़ कर चुकी हूँ, मैं मिसेस पानीपत रह चुकी हूँ, लाडो टाइटल विनर हूँ, मिसेस यूपी रह चुकी हूँ, मिसेस इंडिया टॉप 5 हूँ, और काफ़ी सारे मैंने टाइटल 1 किए हुए हैं। यही सब सुनना बाकी रह गया था। हमें लगा था कि वो एंकर हैं, चलो डांस की प्रैक्टिस भी करा देती हैं। अब इन्होंने इतना कुछ बता दिया कि हमें समझ पाना आसान नहीं है। इतना सब किया कैसे? वेल, अब इसके लिए भी लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी अगर मैं बताना चाहूँ। संक्षिप्त में बता दीजिए। चलो ठीक है, मेरे आई हैव 3 किड्स। जब मेरा थर्ड डिलीवरी हुई, थर्ड बेबी के बाद मेरा 85 kg वेट हो गया। और वंस, मैं बहुत कम शब्दों में बताऊँगी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसमें आया कि पानीपत में कोई कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। तो आई आस्क माई हस्बैंड कि प्लीज़ मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। देन ही टोल्ड मी कि यार इतने वेट के साथ कैसे जाओगे आप। आई सेड मुझे जाना है। मैं गई और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पर परफॉर्म किया, और मैं मिसेस पानीपत घर पर बनकर आई। और उस दिन से मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और करना है, और मैंने फुल ऑन जिम ज्वाइन करा। आपको डेडिकेट कर लिया? यस। नाउ कब, कौन से ईयर की बात है? 2017 में आपने, यानी तकरीबन 4 साल पहले आपने शुरुआत की, और आज इस यहाँ पर है। कॉन्फिडेंस बढ़ा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जी। तो क्या चाहेंगे आप, भविष्य की क्या परियोजनाएं बेनीवाल जी की हैं? भविष्य में मैं यही कहूँगी कि युवतियों को सिर्फ घर तक ही नहीं रहना चाहिए, यदि उन्हें कोई भी मौका मिलता है, उन्हें तुरंत उस मौके का, उस अवसर का फायदा उठाकर आगे आना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए। युवतियां आज किसी भी क्षेत्र में युवकों से कम नहीं है। नहीं कम है, युवतियां तो कम नहीं है, रजनी बेनीवाल भी कम नहीं है। अब रजनी बेनीवाल भविष्य में क्या क्या करने वाली हैं, परियोजनाएं आपकी क्या रहने वाली है? ये परियोजनाएं ये हैं कि हरियाणा कला, और हाँ, निष्काम भावना से सेवा भी करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि आपका उज्जवल भविष्य रहे, आप यूं ही चहकते रहें, महकते रहें और पूरी दुनिया में खुशबू बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। रजनी बेनीवाल जी हैं, समाज सेविका भी हैं और बहुत सारे टाइटल्स भी उन्होंने जीते हैं, और लगातार वो लगी रहती है और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्यों स्रोत है? क्योंकि उन्होंने एक, कहा जाता है कि जब एक महिला एक बच्चों को जन्म देती है, एक परिवार में घुस जाती है, तो उसके बाद उसका कैरियर खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने कैरियर शुरू कब किया? 3 बच्चों के बाद उन्होंने कैरियर शुरू किया और बुलंदियों पर आज वो है। इस इंटरनेशनल गीता महोत्सव की स्टेज पर जो परफॉर्म करता था, वो छोटा व्यक्ति तो नहीं हो सकता, बड़ी शख्सियत है, इसलिए वो यहाँ पर पहुँची, इसीलिए कंचन टीवी ने उनका इंटरव्यू किया। युवतियों को प्रेरणा मिल सकती है, युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है, आपको और हमें प्रेरणा मिल सकती है। बस निवेदन है कि हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, हम यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपर है, फेसबुक पर भी है, वहाँ भी हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सहयोगी राधिका सिंह के साथ यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्रह्म सरोवर के इस पावन घाट से।